हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौस्तु मम्स किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आई अंडे की रेसिपी। जो कि फ्रेंड्स, आप लोग अंडे तो बहुत खाया होगा, बट ये ना एकदम डिफरेंट स्टाइल, एकदम न्यू स्टाइल है और बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग फटाफट से रेसिपी देखना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज। तो बस हम लोग प्याज को क्या करेंगे ना, बस इस तरह से चॉप कर लेंगे। तो प्याज को ना ज़्यादा मोटा चॉप करेंगे और ना ज़्यादा पतला, तो इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे, ठीक है। तो बस हमारी प्याज चॉप हो चुकी थी, तो बस मैंने एक टमाटर भी ले लिया है और इसको भी बस इसको हम लोग चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी टमाटर भी चॉप हो गई है और मैं यहाँ पर ले रही थोड़े से कैप्सिकम। तो बस मैंने थोड़ा सा ही लिया था कैप्सिकम। अगर आप लोग इसमें और कोई सब्जी ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और मैंने ले लिया है थोड़े से मटर। तो बस ये छोटी कटोरी से मैंने एक कटोरी ले लिया है भर करके मटर। तो बस सारी प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है, तो अब चलिए हम लोग अंडे को देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया था 3 उबला हुआ अंडा, जो कि मैंने पहले रख रखा था उबाल करके। तो बस इसको हम लोग कर लेंगे कट। तो मैंने यहाँ पर ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो। अगर बड़ा साइज भी रखना चाहते तो वो भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अब गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर गैस के ऊपर डाल दिया था कढ़ाई, और कढ़ाई में 2 चम्मच इतना डाल दिया था सरसों का तेल। तो बस तेल हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें डाल दिया है साबुत जीरा, और साथ में डाल दिया है 2 तेज़पत्ता और 2 डाल दिया है लाल मिर्च। तो इन सभी को हम लोग अच्छी तरह से पहले पकने देंगे, यानी कि इसको सुनहरा होने तक इसको हम लोग भून लेंगे। तो बस इनको भूनने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज, जो कि हमने पहले रख रखा था ना प्याज को कट करके, वही वाला प्याज हम लोग इसमें डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे सुनहरा होने तक। तो बस इसका हम लोग कलर चेंज होने देंगे। तो आप लोग देख सकते हो कलर ने इसका चेंज हो चुका है। तो बस इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डालेंगे लहसुन। तो मैंने लिया था 4 से 5 कली लहसुन को, जिसको मैंने दरदरा इस तरह से कूट लिया था। तो इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन को और इसको प्याज में अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे कैप्सिकम, टमाटर और मटर। अगर आप लोग इसमें ऐड करना चाहते हो गाजर, पत्ता गोभी, तो वो भी कर सकते हो। तो बस इन सभी को हम लोग थोड़े से हमें सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो बस 1 मिनट तक इसको सॉफ्ट होने तक हम लोग पकाएंगे। तो हम लोग देख सकते हो बहुत हद तक ये सॉफ्ट हो चुकी है। बस 1 मिनट तक ही ढक करके इसको पकाएंगे, ज़्यादा देर तक पकाने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो बस अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डालेंगे सूखा मसाला। तो सूखा मसाला है, बस बेसिक सा मसाला डालेंगे। तो इसमें मैंने डाल दिया थोड़ी सी हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया नमक, और इसमें डाली जीरा पाउडर और थोड़े से धनिया का पाउडर, और इसके साथ साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तो बस इतना ही मसाला डालेंगे और इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग थोड़ा सा डालेंगे पानी। तो बस छोटा कटोरी से 1 कटोरी मैंने डाल दिया है पानी, और इस पानी को अच्छी तरह से मसाला और सब्जियों मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद ना इसको हम लोग ढक करके पकाएंगे सब्जियों को गलने तक। तो बस 2 से 3 मिनट में ही सब्जी हमारी गल चुकी थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो टमाटर हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, और मटर भी पक चुकी है, कैप्सिकम भी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो बस इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग डाल देंगे थोड़ी सी ऊपर से कसूरी मेथी, इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगी। तो बस हाथों से थोड़े से क्रश करके डाल दिया कसूरी मेथी, और इसके साथ साथ ही डाल दिया है बस थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आप लोग गरम मसाला पसंद करते हो तो डालना, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। और बस फ्लेवर को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा डाल दिया है चीनी। तो बस थोड़ा सा डाला था चीनी, 1 चुटकी जितना डाला था चीनी। और बस सभी चीज़ों को डालने के बाद हम लोग डाल देंगे अंडा, जो कि हम लोग पहले रखा था कट करके। तो बस इन सभी चीज़ों को, अंडे को ना मसाले में अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग ग्रेवी चाहते हो तो थोड़ा सा गर्म पानी करके डाल सकते हो। मैं यहाँ पर ग्रेवी नहीं रखा था, बस ऐसे ही इसको रखा था सूखा सूखा ही। तो बस चलिए अब हम लोग इसको कर लेते हैं सर्व। तो बस यहाँ पर एक लिया कटोरी, और इस एक कटोरी में हमारी अंडे की सब्जी को निकाल लेंगे। तो ये देखिए अंडे की सब्जी हमारी बन करके हो चुकी है तैयार। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पास से। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म हमारी अंडे की सब्जी बन करके हो चुकी है रेडी। एकदम फटाफट से ये सब्जी बन चुकी थी, और बनने में बहुत ही कम टाइम लगा था, 10 से 15 मिनट में ये सब पूरी सब्जी हमारी बन करके हो चुकी रेडी।
तो आप इसको सर्व कर सकती हो पूरी के साथ, रोटी के साथ, आप लोगों को जिस चीज़ के साथ खाने का इच्छा हो ये उस चीज़ के साथ ही ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो बस ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना करना मेरे वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल पर नहीं आते तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर देना ताकि मेरी हर रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।